हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दी चैनल आज का टॉपिक है न्यो और ये जनरल पैथो का टॉपिक है और जनरल पैथो में हमने बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुकी हैं तो अगर आपने वो नहीं दें क्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करें और न्यो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इससे रिलेटेड हमने तीन चार वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो कि अपलोड करना ज़रूरी था ठीक है तो सोचा कि इम्पॉर्टेंट यूनिट है तो इसे भी हम पूरी अपलोड करेंगे मतलब इसका पूरा चैप्टर हम लाएंगे जो कि एक उसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बन जाएगी आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आती है तो उसको आप शेयर करें और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन है तो आप उस पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं और आपको नोट्स मिल जाएंगे ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं न्योप्लेजिया ठीक है तो इसमें क्या है कि न्योप्लेजिया का मतलब क्या होता है नियो मतलब न्यू और प्लेजिया मतलब ग्रोथ ठीक है तो नॉर्मली क्या होता है कोई भी ग्रोथ किसी स्टिमुलेशन या अ, मतलब स्टिमुलेशन आने पे स्टिमुलेशन कुछ भी हो सकता है चाहे आपका ग्रोथ फैक्टर हो या किसी हॉमोन के इन्फ्लुएंस में आके वो स्टिमुलेशन आया हो ठीक है कुछ भी हो सकता है तो किसी स्टिमुलेशन के आने पर शुरू होती है फिर स्टिमुलेशन के जाने के बाद बंद हो जाती है तो ये नॉर्मली हम बात कर रहे हैं ठीक है है कोई इस्टमलेशन आया तो सेल की ग्रोथ होना शुरू हुई और सेल को जितनी ग्रोथ की ज़रूरत थी उतनी ग्रोथ हुई और फिर वो इस्टमलेसन चला गया और फिर वो उसकी ग्रोथ होना बंद हो गई ठीक है ये एक नॉर्मल चीज़ हो गई मतलब ये अगर हम ऑन एंड ऑफ बटन की तरह भी सोच सकते हैं के ऑर्गन मतलब क्या हुआ कि ऑर्गन बनना है देखे मतलब किसी ऑर्गन को बनना है या कोई सेल इंजरी हुई तो उसकी रिपेयरिंग होनी है ठीक है तो स्टिमुलेशन आया मतलब ऑन हुआ ऑर्गन बना सेल डेवलप हुई ग्रोथ हुई फिर आ, फिर जितना नॉर्मली बनना है उसका साइज़ और जो भी शेप बननी है वो बन गई ठीक है और उसकी मतलब अब पूरा मेच्योर हो गया जो भी होना था हो गया और फिर अब क्या हुआ कि ऑफ़ बटन आया स्टिमुलेशन चला गया और ऑर्गन बनना बंद हो गया मतलब ये आ, जिस उसको जितनी ज़रूरत थी उतनी चीज़ हुई और वो एक कंट्रोल्ड मैनर में हुई ठीक है कि ये चीज़ आई इतना उसने टाइम दिया इतने टाइम में वो मैच्योर हुई और ये कंट्रोल्ड मैनर में हुई ठीक है अब क्या है ऐसी इंजरी में इंजरी में सेल डैमेज होती है डेड होती है ठीक है उसको रिपेयर करने के उसको रिपेयर करने के लिए ग्रोथ फैक्टर की नीड होती है और उससे सेल ग्रो होती है और नई सेल बनती है ठीक है और वो स्टमलेन हट जाता है और उसकी उतनी ही वो आ, वन, उस उतनी ही बन के रह जाती है अब क्या है वो स्टमलेशन अगर ना हटे ठीक है तो ये तो हमने नॉर्मल चीज़ की बात कर ली अब क्या होता है वो अगर स्टिमुलेशन ना हटे तो क्या होता है देखिए उसको हम बोलते हैं न्यू या फिर ट्यूमर न्यू ग्रोथ प्रोड्यूस ये अच्छी वाली ग्रोथ नहीं होती ठीक है मतलब जो हमने नॉर्मल सेल वाली बात करी वो अच्छी वाली ग्रोथ थी वो हमारे बॉडी के फेवर में थी अब न्योप्लाज्म अब ये ये क्या है कि है ना जो ये ट्यूमर है उसमें नई ग्रोथ प्रोड्यूस हो रही है जो कि अच्छी वाली नहीं हो रही है ठीक है तो अब हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं अब नॉर्मल ऑटोनॉमस एक्सेसिव अनकॉर्डिनेटेड पर्पजलेसली प्रोलीफरेशन ऑफ सेल इवन आफ्टर सेसेशन ऑफ स्टिमुलस फॉर ग्रोथ विच कॉज्ड इट ठीक है तो मतलब ये एक बुकिश डेफिनेशन uh, है हम इसको अभी तोड़ तोड़ के करेंगे ठीक है तो क्या है कि अब नॉर्मल ऑटोनॉमस एक्सेसिव अनकॉर्डिनेटेड पर्पजलेसली प्रोलिफरेशन ऑफ सेल इवन आफ्टर सेसेशन ऑफ स्टमस फॉर ग्रोथ विच कॉज्ड इट इट ठीक है अब नॉर्मल मतलब जो कि नॉर्मल नहीं है ठीक है ऑटोनोमस मतलब सेल्फ कंट्रोल्ड या सेल्फ रेप्लीगेटिंग हम कुछ भी बोल सकते हैं ऑटोनॉमस मतलब जो कि अपनी ही चला अपने ही चलाते हैं ठीक है तो क्या है कि है ना वो किसी के कंट्रोल में नहीं है रैपिडली डिवाइड करी जा रही है नॉर्मल ग्रोथ फैक्टर या किसी स्टिमुलेशन को हम हटा देंगे वो आ, वो मतलब तब भी है ना डिवाइड करी जा रही है मल्टीप्लाई करी जा रही है ठीक है तो Uh, वो मतलब उस वो अपने कंट्रोल में है वो किसी वो किसी फैक्टर uh, या किसी के स्टिमुलेशन के कंट्रोल में नहीं है ठीक है अब हम देखते हैं एक्सेसिव एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में अनकोऑर्डिनेटेड अनकोऑर्डिनेटेड जो कि कोऑर्डिनेटेड ना हो है ना एक सीरीज होती है सीक्वेंस होता है उसके हिसाब से ना चलना अपनी मर्जी करना ठीक है पर्पजलेसली जिसका कोई पर्पज़ नहीं है अब एक ऑर्गन बना ऑर्गन बनने का पर्पज़ था सेल बनने का पर्पज़ था ठीक है अब वो बन गया फिर भी वो है ना, फिर भी वो प्रोलीफरेट करी जा रही है फिर भी वो डिवाइड करी जा रही है अब ऑर्गन बन गया तो भाई अब है ना उसका ना मल्टीप्लिकेशन अब मतलब कुछ नहीं होना फिर भी वो पर्पजलेसली बिना काम के ही डिवाइड करी जा रही है तो मतलब ये पांच चीज हमें याद रखनी है है ना आ, अब नॉर्मल जो कि नॉर्मल नहीं है ऑटोनॉमस जो कि सेल्फ कंट्रोल है अपनी ही चला रही है ठीक है और क्या है एक्सेसिव uh, बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेप्लीकेट करी जा रही है अनकॉर्डिनेटेड कोर्डिनेटेड वे में नहीं है पर्पजलेसली बिना काम के ही मल्टीप्लाई करी जा रही है ठीक है प्रोलीफरे maturation of cell even after cessation of stimulus after growth for growth which caused it ठीक है तो क्या है कि ये तो हो गए प्रोलिफरेशन ऑफ सेल सेल का प्रोलिफरेशन होना मतलब सेल का मल्टीप्लाई करना है ना बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो मल्टीप्लाई करती है और Uh, मतलब तब भी जब है ना जब कोई स्टिमुलस स्टिमुलस uh, को हटाने के बाद भी ठीक है इवन आफ्टर सेसेशन ऑफ स्टिमुलस सेंसेशन ऑफ स्टिमुलस मतलब जो हमने जो स्टिमुलस था जो कि ग्रोथ जो भी कुछ रहा होगा ठीक है ग्रोथ फैक्टर या कुछ भी वो स्टिमुलेशन हट गया है बंद हो गया है वो स्टिमुलेशन सेशन ऑफ स्टिमुलेशन स्टिमुलस का मतलब कि वो बंद होने के बाद भी स्टिमुलस बंद हो गया है तब भी है ना ग्रोथ हुई जा रही है इसका मतलब ये है तो नियोप्लाज्म नियोप्लाज्म मतलब देखिए जो कि नॉर्मल नहीं है एक ट्यूमर है एक एक ग्रोथ है अब नॉर्मल ग्रोथ है जो कि सेल्फ कंट्रोल्ड है अपने ही वश में है ठीक है एक्सेसिव है बहुत जा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेप्लीकेट करी जा रही है अनकोऑर्डिनेटेड है जिसका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है पर्पजलेसली है जिसका कोई काम नहीं है ठीक है ये एक ऐसी ग्रोथ है जो और है ना इसमें क्या हो रहा है सेल्स का प्रोलीफ्रेशन हो रहा है अब नॉर्मली प्रॉलीफ्रेशन मतलब डिवाइड हो रही है वो अपने आप रेप्लीकेट करी जा रही है रेप्लीकेट करी जा रही है ठीक है स्टिमुलेशन हटाने के बाद भी अब यही तीन चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है प्रोलीफ्रेशन ऑफ सेल इवन आफ्टर सेन ऑफ स्टिमुलस फॉर ग्रोथ विच कॉज डिट ठीक है ड्यू टू एनी कॉज किसी भी कॉज की वजह से सेल्स आर स्टार्ट प्रॉलीफरेट एंड पर्पजलेसली विदाउट यूज़ मतलब किसी को यूज़ नहीं है इन एबसेंस ऑफ स्टिमुलस ठीक है ये अगर ये सेल है नॉर्मल तो ये बहुत सारी सेल बन जाती हैं किसी भी वजह से कोई भी कॉज हो सकता है उसका ठीक है अब क्या है न्यू ग्रोथ हर न्यू ग्रोथ नहीं होती ये मैंने आपको पहले ही बताया अच्छी वाली ग्रोथ जो वो नॉर्मल सेल वाली होती है और ये बुरी वाली ग्रोथ जो होती है वो न्यूप्लाज्म कहलाती है ठीक है तो क्या है देखिए अच्छी वाली ग्रोथ भी होती है जैसे कि उनके एग्जांपल हमें याद रहने चाहिए जैसे कि एम्ब्रियोजेनेसिस रीजनरेशन रिपेयर हाइपरप्लेजिया हॉमोनल स्टिमुलेशन देखिए एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब ऑर्गन जो बनते हैं उसमें भी है ना ग्रोथ होनी ज़रूरी है ठीक है अब रीजनरेशन कोई इंजरी हो रही है है ना आ, तो उसमें रीजनरेशन रिपेयरिंग हीलिंग में भी हमें उसकी ज़रूरत होती है ग्रोथ की ठीक है हाइपर प्लेजिया और स्टिमुलेशन या हार्मोनल स्टिमुलेशन में जैसे हमें पता है कि है ना एंडोमेट्रियम शेड होती है फिर वो बनती भी है ठीक है तो वो अंडर द हार्मोन इन्फ्लुएंस में होती है तो इसमें क्या है कि है ना प्रोलिफरेशन भी हो रहा है मैच्योरेशन भी हो रहा है सेल्स का इन अब नॉर्मल अडल्ट इज़ कंट्रोल ये कंट्रोल्ड मैनर में हो रहा है ठीक है प्रोलिफरेशन और मैच्योरेशन कंट्रोल्ड मैनर में हो रहा है नॉर्मल अडल्ट में वाइल न्यू प्लास्टिक सेल ठीक है ये तो गई नॉर्मल सेल अब न्यू प्लास्टिक सेल में क्या होता है कि है ना वो अपना कंट्रोल लूज़ कर देगी मतलब उस पर कंट्रोल नहीं होगा ठीक है कंट्रोल नहीं होगा तो वो इधर उधर भागेगी रेप्लिकेट मतलब रेप्लिकेट करती जाएगी और फिर वो इधर उधर भागेगी ठीक है और क्या होगी एक अपनॉर्मल मास बनाएगी मतलब एक गुच्छा टाइप बनाएगी टिश्यूज़ का जिसको हम बोलेंगे न्यू प्लास्टिक सेल देखिए दो कंपोनेंट होते हैं ठीक है पैरन कायमा और सपोर्टिव स्ट्रोमा ट्यूमर के दो कंपोनेंट होते हैं जिसको हम बोलेंगे पेरन कायमा और सपोर्टिव स्ट्रोमा देखिए पेरन कायमा एक मेन सेल होती है और उसके आसपास का जो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है वो स्ट्रोमा होता है ठीक है जैसे कि इसको आप ब्रिक और सीमेंट की तरह मान लीजिए ठीक है ये है ना जब है ना कोई वॉल बनती है तो है ना ये ब्रिक जो हो गई वो एक सेल हो गई मतलब है ना पेरन कायमा हो गया इसके बीच में जो भी है ना सीमेंट वगैरह लगता है ठीक है वो हो गया सपोर्टिव स्ट्रोमा मतलब क्या है कि है ना ये ब्रिक को ना एक रुकने की वजह दे रहा है ठीक है वहाँ पे है ना एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है जिससे कि वो वॉल बन रही है वो है ना वो ब्रिक वहाँ पे रुकी हुई है ठीक है तो पेरनकाया क्या है प्रोलीफ्रेट ट्यूमर सेल ये है ना जो जो ट्यूमर सेल होती है वो प्रॉलीफरेटिव जो होती है मतलब जो डिवाइडिंग सेल होती है पेरनकायमा वो है मतलब सेल जो मेन सेल है वो पेरनकायमा है ठीक है इससे मतलब हम नेचर नेचर और इवोल्यूशन हम जिससे पता करते हैं ठीक है कि है ना कितना कितना वो रेप्लीकेट हो रही है क्या हो रहा है हम उसमें सेल को देखते हैं पर्टिकुलर ये हम इसमें जानेंगे बस और कुछ नहीं है ठीक है सपोर्टिव स्ट्रोमा क्या होता है सपोर्टिव स्ट्रोमा वही है फाइब्रस का मतलब फाइब्रस होता है और कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है और उसमें ब्लड वेसल्स भी होती हैं ठीक है थीके? अब क्या है ये एक है ना प्रोवाइड वो फ्रेमवर्क प्रोवाइड प्रेंग करता है ऑन विच पैरें ट्यूमर सेल ग्रो ठीक है मतलब वही है कि एक सेल है उसके बीच में जो भी फाइब्रस टिश्यूज़ वगैरह होंगे वो उसको फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेंगे उसको हम सपोर्टिव स्ट्रोमा बोलते हैं मतलब देखिए ये ट्यूमर सेल हैं है ना ये सारी जो गोल गोल हैं वो ट्यूमर सेल हैं और इसके बीच में स्ट्रोमा है मतलब जो कि उसको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेंगे जो कि एक ढांचा प्रोवाइड करेंगे ठीक है अब हम आते हैं स्पेशल टाइप ऑफ ट्यूमर मतलब हमें ना ट्यूमर के टाइप देखेंगे देखिए हमें इसमें ना नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है बस हमें ये पता होना चाहिए कि हाँ ये ये ट्यूमर होते हैं अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्यूमर ट्यूमर के कितने टाइप्स होते हैं देखिए अगर है ना एक तो मिक्स ट्यूमर है एक टेराटोमा है एक ब्लास्टोमा है और एक हमार्टोमा है ठीक है तो बेस्ड ऑन दी ऑरिजिन ये हमने इनको डिवाइड किया है हमने इनको क्लासिफाई किया है मिक्स ट्यूमर जैसे कि आप नाम से जानते हैं मतलब नाम से देख रहे हैं तो दो टाइप की जो ट्यूमर कंबाइन होते हैं उनको हम मिक्स ट्यूमर बोलते हैं टेराटोमा टेराटोमा क्या होता है जम लेयर हमको पता है कि जम लेयर की होती है जैसे एक्टोडम मीजोडम और एंडोडम ठीक है तो uh, इससे जो इससे जो सेल्स जनरेट होगी इससे जो सेल प्रोड्यूस होगी उसको हम बोलेंगे टोटी पोटेंट सेल्स ठीक है तो उसी टोटी पोटेंट सेल्स का अगर ट्यूमर बन जाता है तो हम उसको बोलते हैं टेराटोमा ठीक है ऐसे ही ब्लास्टोमा हमें पता है कि है ना ब्लास्टोमा क्या होता है ब्लास्ट क्या होता है इमेच्योर सेल होती है जो छोटी सेल्स होती हैं ठीक है ठीके? जैसे कि इरेथ्रोसाइट्स वगैरह इरेथ्रोब्लास्ट वगैरह हम जो पढ़ते हैं तो आर का इमेच्योर फॉर्म ही तो ब्लास्ट मतलब इरेथ्रोब्लास्ट होता है ठीक है तो ब्लास्टोमा अगर है ना इमेच्योर सेल्स का अगर ट्यूमर हो जाए तो हम उनको ब्लास्ट सेल्स बोलते हैं मतलब ब्लास्टोमा बोलते हैं ठीक है अराइजेस फ्रॉम एम्ब्रियोनल और पार्शली डिफ्रेंशिएटेड सेल्स वही है ना एम्ब्रियोनल सेल मतलब जो छोटी वाली सेल्स होती हैं उनका अगर ट्यूमर हो जाए ठीक है हमार टोमा. हमार टोमा क्या होता है कि <coughs> मतलब है ना मैच सेल तो मैच्योर हो जाती है लेकिन वो डिसऑर्गेनाइज होती है मतलब क्या है कि अगर है ना यहाँ पे यहाँ पे एक ऐसा प्लेस हो जाएगा यहाँ तो मैच्योर सेल हो गई लेकिन है ना ये जो प्लेस होगी वहाँ पे ना ट्यूमर जनरेट होने की मतलब ट्यूमर प्रोड्यूस होने की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होंगी हम मतलब एक अच्छी प्लेस होगी एक सेफ प्लेस होगी और ट्यूमर भी नॉर्म वो सेल जो होगी वो भी नॉर्मल होगी ठीक है लेकिन है ना वो जो प्लेस होगी वहाँ पर है ना वहाँ पर पूरे पूरे पॉसिबिलिटीज़ होती है कि ना ट्यूमर ट्यूमर जनरेट हो जा है, तो है ना अच्छी जगह पर जहां पे कोई चांस नहीं होता वहां पे अगर ट्यूमर जनरेट हो जाए उसको हम बोलते हैं हमार्टोम और डिसऑर्गेनाइज सेल हो ठीक है अब मिक्स्ड मिक्स्ड मिक्स ट्यूमर के एग्ज़ाम्पल मतलब हम इनके ना एग्जाम्पल एक चार्ट फॉर्म में बुक में दिए हैं तो उन्हें याद कर लेंगे तो भी ठीक है और हमें सारे ट्यूमर याद नहीं करने हमें कुछ ही ट्यूमर याद करने हैं मतलब जो याद रह जाएँ ठीक है बाकी हमें ट्यूमर आते आते मतलब जो भी चैप्टर आएंगे जो भी उनकी यूनिट आएंगी हमें उनकी यूनिट आते आते ही याद हो जाएंगे ठीक है तो ट्यूमर के कुछ नाम जो कि जो कि है ना पढ़ते पढ़ते आ हो जाएंगे वही हमें करने हैं ठीक है थीके? अब मिक्स ट्यूमर में हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं एडिनो स्क्मस कार्सिनोमा ठीक है ये किसका ट्यूमर होता है एंडोमेट्रियम का ट्यूमर होता है इसमें एडिनो कार्सिनोमा और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा मिले हुए होते हैं ठीक है एडिनो एकथोमा इसमें एडेनो एकथोमा मतलब एडिनो एकथोमा में क्या है एंडोमेट्रियम का ही ट्यूमर होता है कार्सिनोमा और बिनाइन स्क्वेमस एलिमेंट इन एंडोमेट्रियम ठीक है तो क्या है कहना ये बेनाइन फॉर्म का होगा कार्सिनो तो कार्सिनो क्या है कि एपिथेलियल लाइनिंग से जो जनरेट होता है उसको हम कार्सिनोमा बोलते हैं और क्या है सार्कोमा जो कि मीजन का मतलब कनेक्टिव टिश्यू से जो जनरेट होता है उसको हम सार्कोमा बोलते हैं ठीक है रेयर होता है थायरॉयड और ब्रेस्ट का है ठीक है कार्सिनोमा और सार्कोमा इसमें मिले हुए होते हैं अब आते हैं हम कोलिजन ट्यूमर पर ठीक है मोफोलॉजिकली ये दोनों डिफरेंट होते हैं और एक ही ऑर्गन में होते हैं ठीक है मतलब क्या है कि अगर लंग है लंग में ना दो ट्यूमर प्रेजेंट होंगे और वो डिफरेंट मतलब मोफोलॉजिकली मतलब शक्ल मतलब में भी वो दूसरे होंगे मतलब ठीक है और ये दोनों एक दूसरे को मिक्स नहीं करते, करते मतलब लंग है लंग में दो ट्यूमर प्रेजेंट हैं लेकिन वो एक दूसरे को मिक्स नहीं कर रहे हैं मिक्स ट्यूमर एपिथेलियल और मीजन कैमल टिश्यू के बने हुए होते हैं ठीक है तो हमें इसका बेसिकली कोई मतलब नहीं है ठीक है बस हमें नाम याद होने चाहिए बस इतना ही है टेरेटोमा में हम देख लेते हैं कि मीजोडम एक्टोडम और एंडोडम तीन जम लेयर होती हैं उनसे प्रोड्यूस होती है टोटी पोटेंट सेल्स ठीक है टेरेटोमा गोनीडल होते हैं और जो गोनाइड से ना हो वो एक्स्ट्रागोनीडल बोलेंगे हम ठीक है ओवरीज और गोनेडल टेराटोमा को हम गोनेडल टेराटोमा बोलेंगे ठीक है एक्स्ट्रा गोनेडल में कौन कौन से आ जाएंगे हेड नेक और मीडियल स्टेनम ये सब आ जाएंगे तो अभी हम एक चार्ट फॉर्म में देखते हैं ठीक है अगर आपको ये भी याद ना हो तो भी चलेगा वो उनमें से हम ना कुछ निमोनिक शेयर करेंगे तो उससे आपको हो जाएंगे ठीक है तो इसमें ना क्लासिफिकेशन ऑफ़ ट्यूमर दिया है तो क्लासिफिकेशन ऑफ़ ट्यूमर जो हमने उधर पढ़ा तो वही सेम चीज़ है ठीक है तो एक तो है ना पेरेंटकाइमल सेल्स के ट्यूमर हैं ठीक है पेरेंटकाइमल सेल्स में एपीथीलियन नॉन एपीथीलियल और मिक्स ट्यूमर आते हैं ठीक है तो एपीथीलियल मतलब जो है ना जो लाइनिंग होती है ना सेल की तो उसमें एपीथीलियम होती है तो वहाँ से अगर ट्यूमर जनरेट हो रहा है प्रोड्यूस हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे एपीथीलियल ट्यूमर और नॉन एपीथीलियल वो होंगे जो कि एपीथीलियल के अलावा कहीं से भी प्रोड्यूस हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे नॉन एपीथीलियल नॉन 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 एपीथीलियल को हम बीजेपी भी बोलते हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू का और कनेक्टिव टिश्यू से उसका ऑरिजिन होता है ठीक है तो एपिथिलियल में हमें ना हम बीपीएच मतलब हमने बी पी एच वो पढ़ा है ना प्रोस्टेटिक बिना और जीएसटी ठीक है हम इन आ, दो निमोनिक से हम इनको याद रख सकते हैं बीपीएच जी एस टी ठीक है जी एस टी तो वही है जो टैक्स है ठीक है बीपीएच बी से क्या हो जाएगा बेसल सेल बेसल सेल लेयर स्कैन पी से हो जाएगा प्लेसेंटा ऐसे हो जाएगा हमारा हेपेटोसाइट्स ठीक है बीपीएच हो गया और जीएसटी ग्लैंडुलर एपिथेलियम एस से होगा स्कोमस एपिथेलियम और टी से होगा ट्रांजिशनल एपिथेलियम तो एपिथेलियल ट्यूमर के ये नाम हैं ठीक है बीपीएच जीएसटी से हम याद कर सकते हैं और आ, अगर है ना देखिए वो बिनाइन है तो बिनाइन में नाम चेंज हो जाएगा मेलिग्नेंट है तो उसका नाम चेंज हो जाएगा ठीक है अगर स्क्वेमस एपिथीलियम से प्रोड्यूस हो रहा है और वो बिनाइन है तो स्क्वेमस सेल पैपिलोमा बोलेंगे ठीक है मेलिग्नेंट है तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा बोलेंगे ठीक है मेलिगनेंट जो होता उसको है उसको हम कार्सिनोमा बोलते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम अगर वो बिनाइन है तो ट्रांजिशनल सेल पेपिलोमा बोलेंगे अगर वो मैलिग्नेंट है तो ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा बोलेंगे ठीक है ग्लैंडुलर है तो ग्लैंडुलर में क्या है बिनाइन को हम एडिनोमा बोलेंगे जो कि हमने मिक्स ट्यूमर में पढ़ा था ठीक है और मैलिग्नेंट है तो हम एडिनोसारकोमा पढ़ेंगे ठीक है बी पी बी से क्या था बेसल सेल लेयर स्किन तो इसमें बिनाइन नहीं होता और इसमें अगर ये मैलिग्नेंट होता है तो बेसल सेल कार्सिनोमा बोलते हैं हिपेटोसाइट है हिपेटोसाइट में अगर हो बिनाइन होता है तो लिवर सेल एडिनोमा और मैलिग्नेंट है तो हिपेटोमा ठीक है प्लेसेंटा है प्लेसेंटा में हाइड्रेटेटिव फोम मोल और है ना बिनाइन में और मैलिग्नेंट में कॉरियोकार्सिनमा ठीक है अब यही है जो नॉन एपीथीलियल होते हैं मतलब जो एपीथीलियम से ना ऑरिजिन होके वो किसी और कहीं और से और जेनेट होते हैं ठीक है तो आप इसे याद रख सकते हैं ए बी सी ए हो गया बी हो गया और सी ठीक है ए से एडिपोज टिश्यू अगर बिनाइन है तो लाइपोमा हो जाएगा ऐसे एडिपोज का अगर ट्यूमर हो रहा है और वो बिनाइन है तो लाइपोमा और मेलिग्नेंट है तो लाइपोसार्कोमा ठीक है ए से दो, दो ए हो गए ठीक है एडल्ट फाइब्रस टिश्यू ठीक है तो अगर ये बिनाइन है तो फाइब्रोमा है ना मैलिग्नेंट है तो फाइब्रोसारकोमा ऐसे बी है बी से बोन बोन से ऑस्टियोमा ठीक है बिनाइन है बिनाइन होगा तो हम उसको ऑस्टियोमा बोलेंगे अगर बोन से बोन से ट्यूमर ऑरिजिनेट हो रहा है तो है ना अगर वो बिनाइन फॉर्म में है तो ऑस्टियोमा बोलेंगे और मैलिग्नेंट फॉर्म में है तो ऑस्ट्रियो बोलेंगे ठीक है सी से कार्टिलेज कार्टिलेज से अगर वो ऑरिजिनेट हो रहा है तो बिनाइन है तो कॉन्ड्रोमा बोलेंगे और अगर मैलिग्नेंट है तो कॉन्ड्रोसार्कोमा ठीक है बी से हम ब्लड वेसल्स भी याद रख सकते हैं ब्लड वेसल्स में अगर ट्यूमर हो रहा है और बिनाइन है तो हिमेंजियोमा और अगर मेलिगनेंट है तो एनजियो ठीक है लिम वेसल्स भी हम याद रख सकते हैं तो लिम वेसल्स में अगर बिनाइन ट्यूमर हो रहा है तो लिम्फ एनजियोमा अगर हमने ब्लड वेसल्स और लिम वेसल्स को देख लिया है तो हम नर्व सेल और नर्व शीत को भी देख लेते हैं ठीक है नर्व सेल्स में अगर बिनाइन ट्यूमर होगा तो हम उसको उसका नाम हो जाएगा गेंग्लियो न्यूरोमा और मेलिग्नेंट में अगर है ना नर्व सेल्स का ट्यूमर होता है मतलब नर्व सेल्स का ट्यूमर अगर अगर मेले मेलिग्नेंट हो जाता है तो हम उसको बोलेंगे न्यूरोब्लास्टोमा ठीक है नर्व शीत का अगर बिनाइन ट्यूमर होता है तो हम उसको बोलेंगे न्यूरीलैमोमा और है ना मेलिग्नेंट ट्यूमर हो जाता है तो न्यूरोजेनिक सार्कोमा बोलेंगे ठीक है तो मैं सारे याद नहीं रखने जो आपको याद हो जाए वो आप देख सकते हैं ठीक है आ, मिक्स ट्यूमर में है salivary ग्लैंड salivary ग्लैंड का अगर बिनाइन ट्यूमर हो जाता है तो pleomorphic adenoma और malignant हो जाता है तो malignant मिस मिक्सड सेलाइवरी ट्यूमर ठीक है तो ये कुछ नाम है इसका आप बी पी एच जी एस टी से याद रख सकते हैं बी पी एच मतलब बिनाइन प्रोस्टेटिक hyperplasia ऐसे याद रख सकते हैं जी एस टी जो टैक्स होता है ठीक है तो एक निमोनिक बनाया था इसकी डेफिनेशन के लिए ठीक है तो अब नॉर्मल ऑटोनॉमस एक्सेसिव पर्पस पर्पजलेसली को हम कैसे याद रखेंगे आई यू पी है ना ए ए पी से भी आप इसको याद रख सकते हैं ठीक है तो ए से अब नॉर्मल ऑटोनॉमस ई से एक्सेसिव और अनकोऑर्डिनेटेड यू से और पी से पर्पजलेसली तो ये हो गया हमारा न्योप्लेजिया पे पार्ट वन सेकेंड पार्ट हम बेनाइन और मेलिग्नेंट जो इसके न्योप्लेजिया के टाइप होते हैं ठीक है उन उनके डिफरेंस पे वीडियो लाएंगे जो कि आगे जाके हर जगह काम आने वाले हैं ठीक है थीके? उनका निमोनिक भी होगा और आ, और उसके बाद फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आएंगे जो कि है ना फाइव आ, बुक में जो है वो फ़ाइव पॉइंट में डिस्कस किए गए हैं ठीक है थीके? तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नोट्स चाहिए तो आप है ना हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो थैंक यू